धार्मिक नगरी करौली में होली गायन की प्राचीन परंपरा रही है। अक्सर आपने होली के गीत गाते हुए महिलाओं और बुजुर्गों को तो देखा होगा, लेकिन समय के साथ साथ होली गायन का क्रेज करौली के युवाओं में भी दिखने लगा है। जन जन के आराध्य भगवान मदन मोहन जी मंदिर में संध्या आरती के समय सैकड़ों की संख्या में युवाओं के होली गायन को सुनकर दर्शन करने आए श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध हो रहे जी हैं। बताइए, जो करौली मदन मोहन जी मंदिर में युवाओं का जो होली गायन का क्रेज बढ़ रहा है, इसके बारे में बताइए। आजकल सभी युवा यहाँ पर मदन मोहन जी में आकर यहीं से सब सीखते हैं होली। हमने भी यहीं से प्रारंभ की और जितने भी हमारे से बड़े इलाके थे वो भी सब मदन मोहन जी, क्योंकि यहाँ परंपरागत 500 साल से ही मदन मोहन जी के दरबार में ऐसी होली चलती रही है और जिनको सुनकर के युवा भी आते हैं और आकर्षित होते हैं। आपने अभी देखा होगा यहाँ पर कौन कौन सी होलियाँ गाई जाती हैं, युवा कौन कौन सी होलियाँ गाते हैं? एक पुरानी रियासत समय की तो मेरी बीवी चुनरिया साड़ी रे मतमारे शाम पिछकारी और होली खेले रे नंद को लाल जरा जी लाल वृंदावन हो रहे हो, ऐसी कई प्रकार पुरानी होली। अब नई होलियों में तुम आ जाइए शाम बरसानी राम रसिया में लो रंगी लो और कई अनेक अनेक वक्ताओं की या गायिकाओं की अपनी अपनी और भी होली। करौली के युवा कितनी देर होली गायन करते हैं प्रतिदिन होली के अवसर पर? अलग अलग स्थानों पर जाकर के अलग अलग मंदिरों के घरों में जाकर के और 3-4 घंटे रोज एक महीना तक बसंत पंचमी की चालू हो जाती है बल्कि और उससे लेकर रंग पंचमी तक मदन मोहन जी में होली बसंत पंचमी से चालू हो जाती है और बसंत पंचमी से हम लगातार मदन मोहन जी आ रहे हैं। रोजाना शाम को सैन्य आरती के समय होलियों का गायन शुरू होता है जिसमें सैकड़ों युवा यहाँ मदन मोहन जी आकर के होलियों का नृत्य गायन करते हैं जिसको सुनने के लिए यहाँ पर सभी श्रोता आते हैं। मदन मोहन दर्शनार्थी रुकते हैं, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। ये युवाओं में जो क्रेज बढ़ा है होली गायन का, इसके बारे में बताइए। करौली में होली गायन की परंपरा बहुत पुरानी है, यहाँ पर युवाओं का क्रेज सारे युवा करीबी यहाँ पे 500 साल पुरानी परंपरा है, इसका निर्वहन करने के लिए युवा हमेशा आते हैं, जो यहीं से सीखते हैं, यहीं से होली गायन करते हैं। प्राचीन मंदिर है इसलिए यहाँ पर होली गायन।